वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन डिक्टेशन आंसर के बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। एक हफ्ता लंबे जनमत संग्रह के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संविधान संशोधन के उस आदेश पर दस्तखत कर दिए जो उन्हें 2036 तक सत्ता में बरकरार रहने की अनुमति देता है। अब तक रूसी संविधान में प्रावधान था कि कोई व्यक्ति दो कार्यकाल से ज़्यादा राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकता। पुतिन 2000 से 2008 तक दो बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। बाद में अपने नज़दीकी मेदवेदेव को राष्ट्रपति बनाकर वे खुद प्रधानमंत्री बन गए थे। मेदवेदेव के दौर में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 6 साल किया गया। पुतिन 2012 में फिर राष्ट्रपति बने और 2018 में उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ जो 2024 में ख़त्म होना है। लेकिन संविधान संशोधन के जरिए उन्होंने 2036 तक कुर्सी पर बने रहने का बंदोबस्त कर लिया है। 2 साल पहले रूस के पड़ोसी चीन की संसद ने भी राष्ट्रपति के लिए 2 कार्यकाल की अनिवार्यता खत्म कर मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उम्र भर इस पद पर रहने का रास्ता साफ कर दिया था। पुतिन जूडो में ब्लैक बेल्ट हैं। इस खेल की 2 खूबियों छल और आक्रामकता को उन्होंने सत्ता में बने रहने का मंत्र मान लिया है। संविधान संशोधन की आड़ में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाला जो खेल उन्होंने खेला, अगर भारत जैसे किसी दूसरे लोकतांत्रिक देश में खेला जाता तो राजनीतिक भूचाल आ जाता। पुतिन यह खेल शायद इसलिए खेल पाए कि रूसी जनता उनके कड़े फैसलों की मुरीद है। सीरिया में सरकार के विद्रोहियों पर बमबारी, यूक्रेन में फौजी दखल और 2014 में क्रीमिया को रूस में मिलाने के फैसलों को लेकर जनता उन्हें पक्के इरादों वाला नेता मानती है। सोवियत संघ के पतन को 20वीं सदी का सबसे बड़ा महाविनाश मानने वाले पुतिन के गुणगान में रूसी मीडिया भी कोई कसर नहीं छोड़ता। वह बार बार दोहराता रहता है कि रूस में पुतिन की जो लोकप्रियता है पश्चिमी नेताओं के लिए वह सिर्फ सपना हो सकती है। पैराचेंज। लोकप्रियता के नाम पर रूस में स्थापित किए जा रहे पुतिन मार्का लोकतंत्र को लेकर तरह तरह की आशंकाएं भी सिर उठा रही हैं। माना जाता है कि लंबे समय तक सत्ता में बने रहने की छूट नेतृत्व को निरंकुश बना सकती है। पुतिन के खिलाफ कुछ आवाज़ें पिछले हफ्ते के जनमत संग्रह के दौरान भी उठी थीं। क्रेमलिन में उनके आलोचकों का कहना है कि अपेक्षित नतीजे हासिल करने के लिए मतदान में धांधली
की गई। इन आलोचकों के मुताबिक घटते जीवन स्तर से रूसी जनता में बड़े पैमाने पर असंतोष है। ऐसे में पुतिन के पक्ष में आए मतदान के आंकड़े भी शक के घेरे में आते हैं। जोसेफ स्टालिन के बाद सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने का रिकॉर्ड बना चुके पुतिन विदेश नीति और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पहले से ही कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। रूस की भूमिका की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के संदर्भ में ज़्यादा होती रही है। वैसे यह कहा जा सकता है कि अगर इस दिशा में पुतिन ठोस नीतियां बनाने में नाकाम रहते हैं तो लंबे समय तक सत्ता में बने रहने का दाम उनके लिए भारी पड़ सकता है। स्टॉप।